वापस एक बार दोस्तों, आप लोग मुझे मानने वाले हो कि मैं सबसे खतरनाक बंदा हूँ, क्योंकि मैंने किया है एक नया इन्वेंशन। इसको मैं कहता हूँ रिस्ट फोन। सीरियसली देखो यार, पूरे रिस्ट पे एक फोन आ गया तो आपको जेब में रखने की जरूरत नहीं। ये देखो पूरा यूट्यूब वगैरह अपना चैनल। भाई यहाँ देख तू, ए वो नॉर्मल स्मार्ट वॉच है उसको हटा। भाई नॉर्मल नहीं, इसमें सब कुछ चलता है। ये देखो यहाँ पे यूट्यूब का वीडियो प्ले हो गया पूरा का पूरा। ए कुछ भी है, प्रैंक कर रहे तुम लोग। ये ले, ये ट्राई कर। भाई सिर्फ यूट्यूब होगा इसमें, बाकी कुछ थोड़ी ना होगा मोबाइल। तू बस ट्राई तो कर। Amazon इंस्टॉल होगा क्या? तू ट्राई कर। Flipkart होगा क्या? तू ट्राई कर। Instagram के रील स्क्रॉल करने मुझे होगा क्या? यह है फायरवॉल का ड्रीम, लेकिन ये कोई स्मार्ट वॉच है, ये लिटरली है रिस्ट फोन। मेरे भाई ने यूज करके मुझे बताया कि इस पे लिटरली सारी की सारी एंड्रॉइड की चीजें कर सकते हैं। इवन लिखा है 4G, मतलब कि आप सिम डाल सकते हो उसमें। एंड्रॉइड OS, इनका फायर OS वाला एंड्रॉइड OS डायरेक्टली आ जाता है। भाई मुझे ट्राई करना है इसमें, गेमिंग करके देखनी है अपने को। मैं ऑनेस्टली बोलूँ काफ़ी सारे स्मार्ट वॉचेस मैंने ट्राई किए, लेकिन फर्स्ट टाइम मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कोई प्रोडक्ट को ट्राई करने के लिए स्मार्ट वॉच कैटेगरी में। ये आता है एक्चुअली वॉच, एंड थोड़ा सा मुझे इस पर लग रहा है वेट है, पर इसलिए क्योंकि इसमें डायरेक्टली भाई प्रोसेसर वगैरह इनबिल्ट है, प्लस 2GB की रैम आती है वॉच के अंदर, 16GB का स्टोरेज आता है साथ में। ओ फील काफी प्रीमियम है, दिखता में काफी खतरनाक है। वाओ इसका स्ट्रैप लगाना भी बहुत इजी है, बस स्लाइड इन करना है, हो गया काम। एंड एक पावर केबल भी आता है इसके साथ। अभी पहले तो इसको चालू करके देखते हैं। ओ स्टार्ट हो गया, एंड लिख क्या भाई, एंड्रॉइड लिख के आ गया यहाँ पे। डेफिनेटली भाई ऐसा लग रहा है जैसे फोन ही है यहाँ पे मेरे पास एक छोटा सा हाथ में। इस पे गाइस वॉच वाले तो सारे के सारे ऑब्वियसली फीचर्स है, जैसे वो सेंसर्स वगैरह, लेकिन उसके लिए मैं एक्साइटेड नहीं हूँ। एक्चुअल एक्साइटमेंट मेरा इधर है, ये देखो प्ले स्टोर लिखा है, और ये नॉर्मल वाला प्ले स्टोर है। आपको लगेगा कुछ अतरंगी चीज के लिए, नहीं भाई ये सबसे नॉर्मल प्ले स्टोर है, क्योंकि इसमें देखो सारे के सारे ऐप्स हम लोग इंस्टॉल कर सकते हो। देख सकते हो इधर सीधा इंस्टाग्राम है, हम लोग एक नॉर्मल सा इंस्टाग्राम यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। देखो हो गया, इंस्टाग्राम इंस्टॉल हो रहा है स्मार्ट वॉच के अंदर। स्मार्ट वॉच नहीं यार, रिस्ट फोन के अंदर, लिटरली रिस्ट फोन है। इससे पहले ना मुझे यूट्यूब ट्राई करना है यार, यूट्यूब का आ गया अपना। बस इस वॉच में ना एक ही दिक्कत मुझे दिखी कि कीबोर्ड छोटा हो जाता है, ऑब्वियस सी बात है उनके पास जगह कम है, तो टाइपिंग करनी थोड़ी सी मुश्किल है। बट इसके लिए भी एक मस्त सोल्यूशन है कि आप आराम से ऐसे UTUBE ऐसे बस स्वाइप करो, देखो सही से लिख के आ गया। अगर वर्ड है डिक्शनरी वाला तो आ जाएगा, इजीली आ जाएगा। अरे यार दिखाना है, देख गया रुको, यूट्यूब जब तक इंस्टॉल होता है ना तब तक एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पे ना साइड से लिटरली आप एक सिम कार्ड डाल सकते हो इसमें 4G वाला आराम से, और दिखाई रहा हो तो ये देखो यहाँ से ये क्राउन है लाइक इसको गोल गोल घुमाने के लिए, और ये वाला बटन यहाँ पे। भाई यूट्यूब अभी ओपन किया जाए, सीरियसली यूट्यूब ओपन हो जाए आराम से, और हम लोग अपना ही चैनल देखेंगे। चैनल सर्च हो गया, अपने वीडियोस आ रहे, चैनल आ गया भाई। प्लीज ये देखो वॉच से, ये वॉच से मैं अपने चैनल को लाइक करने वाला हूँ, ठीक है। अकाउंट मेरा दूसरा वाला अभी, एड्स भी आ रही है, मतलब लिटरली ये भाई फोन जितना काम कर रहा है। फर्स्ट टाइम गाइज एक वॉच से एक यूट्यूब वीडियो लाइक किया जा रहा है। आप भी फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो इसी तरीके से। 1 मिलियन सब्सक्राइबर करने यार, ये भाई ऐसी खतरनाक चीजें लाते रहते हो आपके लिए। और गाइस क्वालिटी भी है ना, हम लोग हाई क्वालिटी लगा सकते हैं आराम से, पूरा हम लोग अपना वीडियो देख सकते हैं, एंड आवाज भी चल रहा है यहाँ पे। मुझे पता है ये करना पॉसिबल है क्योंकि एंड्रॉइड काफी सारे डिवाइस में चल सकता है, बट इतने छोटे वॉच में करके दिखाया फायरबोल्ट ने, मजाक की बात। अभी समझा क्यों बोला ट्राई कर तू? इसने ना पूरा यूज किया था वॉच, इसमें गेम्स भी इंस्टॉल होते हैं। रुको हम लोग गेम्स इंस्टॉल करके देखेंगे इस पे अब। गाइस जो हंसी थी मेरी, ओके आपको लगेगा कि भाई ये क्या नॉर्मल जैसा हंसता है बकवास जैसा, बट जो चीज अभी हम लोग करने वाले हैं इसके साथ भाई कुछ ज्यादा एपिक है, ठीक है। गाइस लिटरली हम लोग खेलने वाले GTA 5 अभी वॉच के अंदर, ठीक है। यहाँ पे प्ले का बटन है, और गाइस हम लोगों ने कंट्रोलर कनेक्ट किया वॉच को, भाई कुछ ज्यादा एपिक चीज कर रहे हैं आज हम लोग। और अभी स्टार्ट करते GTA 5, एंड मुझे पता नहीं क्या होता है भाई, ये कोई वीडियो नहीं प्ले हो रही, ठीक है, ये पूरी गेम है, मैं आपको खेल के दिखाने वाला इसको लिटरली। गाइस लिटरली अभी हम लोग GTA 5 खेल रहे हैं, देखो भाई सीरियसली मुझे कुछ से दिख रहा है, ठीक है। अपने को एक गाड़ी मांगता है यार, गाड़ी नहीं मांगता, रुको रुको एक गाड़ी ना हम लोग फोड़ देते हैं पहले, कहा गया ये चल रहा है क्या? बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो गया यार,
ना गाइस, थोड़ा सा अपना इंटरनेट का इशू, ये देखो यहाँ पे लिख के आ रहा है कि इंटरनेट का स्पीड स्लो है, वरना वॉच में कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है। बहुत खतरनाक चल रहा है ये रिस्ट फोन अपना। भाई साहब सीरियसली यार, ये गाड़ी भगा रहा हूँ मैं जीते के अंदर। भाई ये कुछ ज्यादा क्रेजी चीज कर रहे हैं अभी हम लोग सच्ची में। ये देखो बस ये वाईफाई का स्पीड मेरा सही से दे नहीं रहा है, पता नहीं कैसे, बट ये भाई साहब देखो, भाई ये देखो, एक हाथ में कंट्रोलर दूसरे हाथ में सीधा GTA 5 यहाँ पे चल रहा है। दिस इज सीरियस फ्यूचर, इसको बोलते हैं असली फ्यूचर। मतलब मैं खेलूंगा ना इसमें GTA 5, बट पॉसिबिलिटी है इसमें खेलने लायक। और 4G का सिम डाल के, 4G का सिम डाल के भी हम लोग इसमें काफी सारी चीजें कर सकते हैं। और ये हम लोगों ने किया था स्टीम की मदद से, मतलब डायरेक्टली गेम वॉच में इंस्टॉल नहीं है, वो स्टीम पे मेरे PC पे है खतरनाक वाले, एंड वहां से वॉच में आ रहा है। और लिटरली गाइस कंट्रोलर तक इसके साथ कनेक्ट हो पा रहा है, ये भी बहुत बड़ी बात है। लाइक अभी हम लोग कोई एंड्रॉयड की गेम खेल के देखते हैं, ठीक है। गेम्स कौन सी आजकल देखते हैं भाई, क्या खेलते क्या है तुम लोग? कैंडी क्रश नहीं, हिल क्लाइम रेसिंग एक्चुअली खेल नहीं। सबसे ईजी गेम ये वॉच में खेलने के लिए सबवे सर्फर्स, बेस्ट चीज, एकदम नॉर्मल चल रहा है और काफी स्मूथ चल रहा है। लैग तो दिख ही नहीं रहा है मुझे सबवे सर्फर्स में। 2GB रैम का फोन है, फोन भाई मैंने वॉच का फोन बोल दिया गलती से, देखो भाई इतना खतरनाक चल रहा है भाई, मानोगे नहीं यार, मुझे बहुत खतरनाक लग रही है ये चीज़ अभी। स्केच बोर्ड आ गया अपने पास, व्यू भाई मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना स्मूथ चलेगा, मैं मजाक नहीं करूँगा, मुझे लगा था ऑब्वियसली चल तो जाएगा गेम, बट इतना स्मूथ नो वे गाइस, नो वे। ओए ओए कुछ कुछ, बस इसमें इन लोगों ने अभी कैमरा डालने की कमी है, वरना तो भाई फोन ही बंद करवा देंगे, ये फोन की बिक्री बंद करवा देंगे। वॉच का हाई स्कोर देखते हैं हम लोगों ने, मैं फर्स्ट इंसान होऊंगा जिसने वॉच में सबसे सबसे खेला और इतना हाई स्कोर किया है 6000। गाइस मैंने BGMI इंस्टॉल कर लिया वॉच के अंदर, ऑब्वियसली ये गेम खेलना नहीं चाहिए वॉच के अंदर, क्योंकि वॉच के लिए बना भी नहीं है, एंड प्लस सीरियसली बोलूँ तो भाई खेलना भी मुश्किल है इसके अंदर। बट स्टिल यार इतना कुछ लैग वगैरह दिख नहीं रहा है मुझे, परफॉर्मेंस भी इतना कम नहीं है, एंड गेम भी स्टार्ट हो रहा है, एंड भाई चल रहा है गेम, चल रहा है। मुझे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा कि कभी ऐसा मैं कर पाता, कैसे। बस मल्टी टच नहीं है इसमें आई गेस, भाई गन चलाने से अच्छा था मुझे गाड़ी चला के देखते हैं अभी, भाई गाड़ी चल रही है बीच में के अंदर, हेलो। और लैग भी नहीं हो रहा गेम। गेमर्स के लिए क्यों ये वॉच मस्त है मैं समझाता आपको, ठीक है। लाइक सबके लिए मस्त है, लेकिन स्पेसिफिकली गेमर्स के लिए क्या करने का, ऐसा टाइम देखने का, ठीक है। चलते चलते दिखा आपको कि आपके पास फ्री टाइम है, सीधा आ गए गेम स्टार्ट कर, टेंशन ही नहीं भाई, कहीं पे भी गेमिंग करो, कहीं पे भी कुछ करो, ऐसा नहीं कि सिर्फ गेमर्स के लिए। इंस्टाग्राम भी आपको दिखाता हूँ, रीलर्स के लिए, जो रीलर्स नहीं मतलब जो रील्स देखते हैं उनके लिए भी दिखाता हूँ। भाई इंस्टाग्राम तो अभी मैंने ओपन कर लिया है और सीधा मैंने अपना ही प्रोफाइल सर्च कर लिया, ये देखो भाई सीरियसली नॉर्मली मैं इंस्टाग्राम देख पा रहा हूँ, एंड प्लस क्या स्मूथ चल रहा है भाई, मैं मजाक नहीं करूंगा, बहुत स्मूथ चल रहा है। देखो अपना एक रील देखते हैं, रील कैसे दिखता है वो देखना मुझे, आराम से रील दिख रहा है इस पे आवाज के साथ, रील सिख रहा है भाई आराम से, और स्क्रोल ऊपर आइए देखो आराम से भाई मेरे सारे रील सिख रहे, देखो यहाँ पे बहुत बढ़िया, ये देखो ये देखो, GTA 5 का मैंने रील बनाया था, लाइक दे दे लाइक दे, ये देखो लाइक भी इजीली दे पा रहा हूँ इस पे। अभी मैंने कोशिश किया कैमरा ओपन करने की इंस्टाग्राम से, बट सब ब्लैक आ गया, ऑब्वियस सा रीजन है उसका, क्योंकि इसमें कैमरा है नहीं, बट स्टिल आप इसमें से इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट कर सकते हो, लाइक क्रिएट वगैरह करके, या फिर आपका जो फोटोज वगैरह है वो अपलोड करके यहाँ से, लाइक वॉच में से भी। खतरनाक चीज है भाई, मानना पड़ेगा मुझे। कैसे सीरियसली मैंने इस पे अभी फ्लिपकार्ट चलाया है, एंड फ्लिपकार्ट भी आराम से हम लोग देख पा रहे हैं, ये देखो सब कुछ दिख रहा है यहाँ पे भाई। लिटरली ये वॉच के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ गई है सीधा, रिस्ट फोन है ये ऑब्वियस सी बात है, एंड ये देखो 10 तारीख को, मतलब कि अभी आप वीडियो देख रहे हो तभी लॉन्च हो चुका है, एंड इसका प्राइस है 5999 ओनली। इतने कम प्राइस में भाई कुछ तगड़ा ही टाइप का गैजेट फायरबोल्ट लेके आया है, एंड इसका जो परफॉर्मेंस है ना मुझे काफ़ी पसंद आ गया। इनका क्वाड कोर का कोई चिप इसमें लगाया है फायरबोल्ट वालों ने, खतरनाक चिप लगाया है। और भाई ये फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है एंड वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, एंड डेफिनेटली नीचे लिंक दिया गया है, आप चेकआउट कर लेना आराम से, उसका कोई सीन नहीं है, और सारी इंफॉर्मेशन भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। इसमें एक्चुअली मुझे दो चीज़ की अब तक दिक्कत दिखी है, पहली बात तो गर्म होता ही है, बट एक अच्छी बात है कि गर्म ये साइड से होता है, लाइक साइड है ना थोड़ा मेटालिक मेटालिक टाइप का है, तो साइड से गर्म होता है, तो आपको फील नहीं होगा जब आपने उसको पहना है। और सेकेंड दिक्कत मुझे लगी थी वो है इसकी बैटरी लाइफ, जो कि सिर्फ 800 mAh की है,
बट स्टिल भाई मैं इसको एक घंटे से यूज कर रहा हूँ, सिर्फ 30% ही बैटरी इसकी कम हुई है। जब स्टार्ट किया था तो 65 पे था, अभी 35 पे आया एक घंटे बाद। लेकिन इतना गेमिंग कर रहे हम लोग, यूट्यूब देख रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे, लाइक कंटिन्यूसली यूज कर रहे हैं, स्टिल इतना भाई ज्यादा बैटरी कम नहीं हुआ इसका। मतलब कि अगर नॉर्मली आप इसको एज अ विस्ट फोन भी यूज करते हो, लाइक कॉलिंग के लिए कॉल भी लगा के देखते हो भाई इस पे, लाइक सारी चीजें इस पे हो सकती है। गाइस लिटरली हम लोगों ने वॉच में, वॉच भी नहीं यार, रिस्ट फोन में इंस्टॉल किया है व्हाट्सएप, ठीक है, लाइक नॉर्मल वाला व्हाट्सएप है। ये देखो यहाँ से अगर मैं मेरे भाई के फ़ोन से है भेज रहा हूँ, सीधा आ गया है, एंड भाई नोटिफिकेशन वगैरह भी सही से यो ये देखो सेंड हो गया आराम से। मतलब भाई व्हाट्सएप यूज़ कर पाते और क्या चाहिए। एंड ऑब्वियसली बात है, अगर आप बोलोगे, देखो मैसेज तो भेजा यहाँ पे, आप देखते यहाँ पे आया क्या सही से। इसमें अलग नंबर है और ये देखो सीधा यहाँ पे आ गया एंड यहाँ पे एक्सेप्ट कर सकता है मेरा भाई आराम से। ये देखो हेलो, ये देखो चल रहा है भाई, फुल चल रहा है। नॉर्मल वाला गूगल क्रोम भी मैंने इसमें इंस्टॉल कर लिया एंड ये चल रहा है भाई, सही से चल रहा है। या देखो मेरे भाई ने ये वाला मेटल वाला स्ट्रैप लगाया इसमें एंड अभी हम लोग इसमें गूगल मैप्स ट्रैक करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले मैं दिखाना चाहूँगा कि ये नॉर्मल एंड्रॉइड जैसे काम करता है। जैसे ये देखो नीचे से स्क्रॉल किया हम लोगों ने, पूरा नोटिफिकेशन वगैरह बाहर आ गया, नेविगेशन बाहर आ गया, हम लोग बाकी सारी चीज़ें भी इसमें देख सकते आराम से। एंड सेटिंग्स वगैरह यहाँ पे देखो, वाईफाई ब्लूटूथ ये सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। एंड अगर हम लोग ये वाला बटन डबल प्रेस करते तो ये देखो सारे हम लोग को प्रीवियस वाले ये ऐप्स दिख जाते हैं। हम लोग इनको ऐसे डिलीट भी कर सकते हैं, देखो लाइक ऐसे ऐसे करके, और एक बटन से सब कुछ डिलीट भी हो जाता है, काफ़ी ईजी चीज़ है। गूगल मैप्स पर पर्टिकुलरली वॉच के साथ बहुत यूजफुल हो सकते हैं। बट सुनो, इसको ड्राइविंग करते समय या स्कूटी वगैरह कुछ भी चलाते समय मत यूज़ करो, ठीक है। इसको यूज़ करना आप खड़े रह के साइड में यूज़ करो या फिर चलते समय, लाइक जो वॉकिंग वाले डायरेक्शन है उसके लिए बेस्ट है ये भाई। ये देखो आराम से हम लोग कोई भी लोकेशन वगैरह मैप पे देख सकते हैं एंड कहीं पे जाना अपने को डायरेक्शंस वगैरह लगा के वॉक भी कर सकते हो आराम से, कोई सीन नहीं है, कुछ अलग नहीं है। एंड यही एक्चुअली में एक खास बात है कि नॉर्मल फोन जैसी सारी की सारी चीज़ें इस वॉच में हो रही है भाई। देखो आप जो जो चीज़ें इसमें इमेजिन कर सकते हो, जैसे पेटीएम हो गया, कोई भी मतलब फ़ोन पे हो गया, वो सारी की सारी चीज़ें भी इसमें इंस्टॉल हो सकती है आराम से। बस आप ना क्यूआर कोड नहीं स्कैन कर पाओगे, लेकिन जो नॉर्मल यूपीआई आईडी डाल के या फिर नंबर डाल के जो पेमेंट है वो भी आराम से कर सकते हो। अगर भाई सीरियसली मतलब सारे के सारे ऐप्स इसमें इंस्टॉल हो सकते हैं, तो जो भी पॉसिबिलिटी आपके फ़ोन के साथ है, ठीक है, वो सारी चीज़ें आप इस रिस्ट वॉच में कर सकते हो। रिस्ट वॉच नहीं भाई, रिस्ट फोन में कर सकते हो यार। और एक मस्त बात मैं बताता हूँ कि आपको फ़ोन की ज़रूरत ही नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि आप इसमें ईयरबड्स तक डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। अभी हम लोग ईयरबड्स को इसके साथ कनेक्ट करेंगे, इसके लिए अपने को सिर्फ ब्लूटूथ चालू करना है, ठीक है। अच्छा इसकी बैटरी कम है, लेकिन भाई साहब बड्स कनेक्ट हो गए मेरे डायरेक्टली, मतलब हम लोग डायरेक्टली गाने वॉच में से सुन सकते हैं भाई। इस वॉच के साथ आता है IP67 वाटर रेजिस्टेंस भी। मुझे लगा था भाई ये प्राइस पॉइंट पे इतनी सारी चीज़ें पहले से दे रही है लोग, साथ में वाटर रेजिस्टेंस कैसे दे सकते हैं, मेरे को पता नहीं भाई। जो स्क्रीन आती है इसकी वो है 2.02 इंच की IPS स्क्रीन, जिसकी क्लैरिटी मुझे काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लगी। ऑब्वियसली गाइस वॉच में जो फीचर्स आते हैं, लाइक हम लोग अपना फेस वगैरह, वॉच फेस वगैरह ये चेंज कर सकते हैं, वो काफ़ी कूल कूल से वॉच फेसेस बने इसमें, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आ गए, खतरनाक से वॉच फेसेस है इसमें। और भाई जो फिटनेस वाली चीज़ें भी है, जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो यहाँ पे स्टेप्स ट्रैकिंग वगैरह, कितने कैलोरीज वगैरह आपने कंज्यूम किए, ये भी आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, पर्सनल इन्फॉर्मेशन वगैरह डाल के काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब कि हेल्थ रिलेटेड भी इसमें चीज़ें आ जाती है, इवन हार्ट रेट मॉनिटर भी, ठीक है। ओह आ गया, हार्ट रेट भी आ गया आराम से, कोई सीन नहीं है भाई। इस फोन के साथ इस वॉच के साथ पॉसिबिलिटीज काफ़ी ज़्यादा इन्फाइनेट है। ये फायरबोल्ट का ड्रीम है ना, मुझे लिटरली एक ड्रीम वॉच टाइप ही लगा, खतरनाक सा नाम भी उन लोगों ने खतरनाक दिया है। प्लस भाई जो मतलब एंड्रॉयड डाला है, नॉर्मल सा एंड्रॉयड इसमें, वो भी एक कमाल की चीज़ है, ऐसे फॉर्म फैक्टर में, लाइक जो छोटी सी लाइक जो छोटा सा फॉर्म फैक्टर है, प्लस जो परफॉर्मेंस भी ये प्रोवाइड करता है, लाइक थोड़ा सा भी मुझे लैग नहीं दिखा, गेमिंग करते समय भी नहीं दिखा है, क्रेजी चीज़ भाई, क्रेजी चीज़ मानना पड़ेगा। इसको आप चेकआउट डेफिनेटली कर लेना और ऐसे खतरनाक और वीडियोज़ के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखो यार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।